ऑलराइट गाइज, वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं हूँ एक माइनिंग मशीनरी के अंदर। ये माइनिंग डंपर है। इस माइनिंग डंपर के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया कैसी होती है। क्योंकि जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी माइनिंग के अंदर, मैं अक्सर सोचा करता था कि जो माइनिंग मशीनरीज होती हैं इनके अंदर घूमना कैसा होता है। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग होंगे जो ये लोग जानना चाहते होंगे कि माइनिंग डंपर के अंदर क्या क्या होता है। तो ये डंपर एक्चुअल में 45 टन का डंपर है, काफ़ी बड़ा डंपर है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और कैबिन के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो ये कोबेल्को का एक्सकेवेटर है। यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने के लिए थोड़ी सी सफाई चल रही है। तो इस वक्त मैं नाल के अंदर हूँ। बीकानेर से नाल थोड़ी सी दूरी पे है। आप लोग जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग जानते हो कि नाल कहाँ पे है। तो इस वक्त मैं नाल के अंदर हूँ। यहाँ पे माइंस हैं, क्लेम बॉल क्लेम माइंस है, गॉड माइन है, फेरिस्टर माइंस है। तो मैं अभी बॉल क्लेम माइंस पे हूँ। अभी यहाँ पे स्टार्ट किया ही है प्रोजेक्ट और अभी बस शुरुआती कुछ काम चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डंपर के अंदर देखिए, एक यहाँ पे बैठने के लिए मुझे सीट दी हुई है और साइड में यहाँ पे एसी वेंट दिए हुए हैं। और ये डैशबोर्ड है जो कि खुलता नहीं है कहीं से। यहाँ पे आप अपना की चेन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। साइड में अब जैसे कि इसका गियर देखिए, कितने सारे गियर हैं। तो डंपर ऑपरेटर साहब, आप थोड़ा बताएंगे गियर्स के बारे में, कितने गियर हैं, कौन से गियर में आप चलाते हो? गियर एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, सर। लैंड का एक्चुअल में रिक्लेमेशन चल रहा है और एक तरह से आपकी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो भराई चल रही है ताकि इसके ऊपर इसको कुछ गुड यूज़ में लिया जा सके। और वो जो पीछे देख रहे हो वो बड़ा सा जो स्टॉक बना के रखा हुआ है यहाँ, वो डंपिंग यार्ड है। जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है उसको वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। क्या चीज? मेरा जन्म है। कब का है आपका जन्म? 1949। तब क्या हुआ था? जब देश आज़ाद है। अच्छा, आप जन्मे तो देश आज़ाद हुआ है, वरना नहीं होता। क्यों? हाँ, मेरा जन्म हुआ। अगर देखिए, वैक्सीन लगवा ली क्या? हाँ। कितनी लगवाई थी? एक लगवा ली। एक लगवा ली, एक बाकी है। कब लगवाओगे? एक एक कम कैंप लगेगा। क्या सुन रहे हो ये बताओ? मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। क्या क्या सुन रहे हो? मोदी जी का भाषण है। भाषण? हाँ, मोदी जी के मतलब देख रहे सारा सुन रहे। मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत डेस्परेटली उनको पसंद करते हैं कि वो रेडियो तक के अंदर उनके भाषण सुनते हैं, खिलाड़ियों की बात बता रहे हैं। अच्छा, हमारे देश में बहुत बहुत तकड़ा खिलाड़ी है। आप भी अपने से जमाने के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। ये है बच्चे।
ये देख लीजिए इनकी शूटिंग चल रही है अलग ही। ये लोग अपना अलग ही कर रहे हैं आज। दीदी व्लॉग कब लाइव हो रहा है आपका? Most probably tomorrow. Okay. छोटू छोटू से हले तो शेरदिल शेरदिल नहीं शेरदिल नहीं इसको शेरदिल को नीचे जाना है। तो आज जो ये है शेरदिल ये काफी मस्ती कर रहा है, काफी थक गया है तो मुझे काटने के लिए कर रहा है अभी। शेरदिल हाँ खेलने चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये शायद रुकेगा नहीं, इसको खेलने का मन कर रहा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी यहाँ पे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोग जब कोई पपी अडॉप्ट करें तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए है इनको फ्री स्पेस देना, इनका ये खेलना चाहते तो लेट देम प्ले, जो कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए। इनको खेलने दे, इसको मैं जाने देता हूँ फिर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बता देता हूँ कि इसकी इनको ज़रूरत है। वो देखिए नीचे इसका दोस्त इंतज़ार कर रहा है, लेके चलता हूँ इसको। पूरे दिन मस्ती के बाद अब ये आराम फरमाने के मूड में आ गया है, आराम भी नहीं फरमा रहा है एक्चुअल में, ये कुछ काटे जा रहा है। इसको टीथिंग हो रहा है ऑब्वियस है, तो जब टीथिंग होता है इनको तो ये कुछ ना कुछ काटता रहता है। शेरदिल ए शेरदिल इधर। तो ये जैसे जैसे बड़े होते देखिए इनके अंदर टीथिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, इनको कुछ ना कुछ च्यू करने के लिए चाहिए, तो मैं इनको ये बोन्स ला के देता हूँ कैल्शियम की ताकि ये च्यू करते रहें, अपना टाइम पास भी करते रहें और पपी बाइटिंग होती है वो ना करें, तो मैं उनके लिए इनको ये ला के दिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या, एक बार फर्स्ट एड किट है जो मैं रेडी करके रखता हूँ जिसके अंदर बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें रखता हूँ। जो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं वो तो आपको पता ही है कि कैल्शियम, सबसे पहले जैसे ही आप पपी लेके आए तो ये ज़रूर पता कर ले कि ये पहले किस डाइट पे रहा है और क्या खाता था पहले। और एक बेटा ये बहुत ज़्यादा देखिए, अरे 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 दवाई लेके चला गया देखिए अपने, नहीं रे छोड़ इसको छोड़, मैं इसको ये दे देता हूँ, ये ले उसको छोड़ उसको छोड़ ये ले। तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ रखता हूँ जिससे ये अपना टाइम पास करता रहे। जैसे इनको आप घर पे लेके आए एक चीज़ कंफर्म कर लें कि इनको डीवॉर्म किया है कि नहीं किया है, किया है तो किस डेट को किया है, हर 15 दिन के अंदर इनको डीवॉर्म करना ज़रूरी है। तो जैसे कि जब ये घर पे आया था इसको डीवॉर्म नहीं किया हुआ था तो मैंने उसी रात इसको डीवॉर्म किया, उसी रात मत करिए एक्चुअली मैंने कर दिया पर आप उस रात मत करिए, उसकी नेक्स्ट नाइट को करिए जिस दिन ये आता है, क्योंकि ऑलरेडी शॉक में रहते हैं एकदम से, इनका घर चेंज हो जाता है, खाना पीना डिफरेंट होने लगता है, तो उस रात मत करिए, उसकी नेक्स्ट नाइट पे आप इसको डीवॉर्म कर दीजिए। और डीवॉर्म करते ही उसको खाने के लिए कुछ मत दीजिए, रात भर इसको ऐसे ही रखिए, आखिरी में लास्ट मील के बाद आप इसको डीवॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसका वेट अगर 2 kg है तो आप इसको 2 ml डीवॉर्म की दवाई दे सकते हैं, हर 15 दिन से रिपीट करनी है। और नहीं जिस दिन आप डीवॉर्म करें उसके अगले दिन से आप इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था तो मेरे को ऊपर बैठना पड़ा, तो मैं आपको बता रहा था क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि डीवॉर्मिंग करना है इसको, डीवॉर्मिंग के बाद आप चाहे तो इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे कर ही देनी चाहिए, चाहे नहीं करवाई दीजिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल भी मिस मत करिए इसका, क्योंकि अभी बारिश का टाइम स्टार्ट होने वाला है, बारिश के टाइम में पारवों के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ इनके अंदर, तो उन सब का ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं इसके फर्स्ट एड के लिए रखता हूँ, एक तो है ये ग्रिप्टॉल, जो कि इसको लूज़ मोशंस होते हैं तो देनी होती है अगर हो जाए तो, भगवान ना करे किसी के पपी को हो, और अगर हो तो आप दे सकते हैं। उसके बाद एक है पेट जेलन, जो कि एंटीबायोटिक है,
कभी इसको वोमिट होने लगे तो आप दे सकते हैं। वोमिट रोकने की एक पेट सेट भी आती है इनकी, वो भी आप रख सकते हैं। और एक ये है इचिंग पाउडर जो कि अगर इनको इचिंग होने लगे तो आप चाहे तो इसको आप ये पाउडर लगा सकते हैं ताकि इसको इचिंग ना हो कोट के अंदर, क्योंकि आप वैक्सीनेशन से पहले पपीज़ को नहला भी नहीं सकते, इनको ड्राई बाथ देना होता है। तो आप चाहे तो ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है मैरी पेट डस्टिंग पाउडर है, यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग।